TWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो उनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा खरीदना चाहिए। तो बहुत ही फ्रेंड इस टॉपिक को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ आज। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए और कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो PWM है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फ्रेंड, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करते हैं कि जिस वोल्टेज पे आपकी बैटरी होगी उसी वोल्टेज के सोलर पैनल आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका 12 वोल्ट में सोलर पैनल होगा जिसकी VOC 25 से कम होगी, वही सोलर पैनल आप एक सिंगल बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको यदि डबल बैटरी है आपके पास तो 24 वोल्ट वाले जो सोलर पैनल आते हैं फ्रेंड वही आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बैटरी का वोल्टेज और सोलर पैनल का वोल्टेज सेम होना चाहिए। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ 12 वोल्ट वाले सोलर पैनल यूज़ कर सकते हो और 24 वोल्ट वाली बैटरी के साथ 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल आप यूज़ कर सकते हो। जबकि फ्रेंड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या होता है फ्रेंड, उसके अंदर एक DC-DC स्टेप डाउन कन्वर्टर, DC-DC स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा होता है जो फ्रेंड क्या करता है कि जो हायर वोल्टेज आता है, जैसे ऊपर से 24 वोल्टेज आ रहा है तो फ्रेंड उसको जो बैटरी को जो वोल्टेज चाहिए उस वोल्टेज में बदल देगा और वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। अगर वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा तो करंट वहाँ पे बढ़ जाता है क्योंकि पावर क्या है, कॉन्स्टेंट होती है। 100 वाट का पैनल है, सपोज करो ऊपर से आ रही है 30 वोल्ट आ रहे हैं तो 30 वोल्ट को वो क्या करेगा, जैसे बैटरी को 14 या 15 वोल्ट चाहिए बैटरी को चार्ज होने के लिए तो 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और बाकी का जो भी वोल्टेज है उसको करंट में बूस्ट कर देगा। तो फ्रेंड ये इस मेन डिफरेंस है कि जो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है बिल्कुल एक नॉर्मल जो वोल्टेज आ रहा ऊपर से वही एम्पियर देगा और वही वोल्टेज को थोड़ा कम कर देगा और वही वोल्टेज देगा। जबकि हमारा MPPT क्या करता है कि वोल्टेज को कन्वर्ट करंट में कन्वर्ट करके करंट को बूस्ट कर देता है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, हम आगे डिफरेंस पे आगे देखते हैं। हम जो भी हमारे PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर फ्रेंड वो बहुत सस्ते होते हैं कंपैरिजन टू MPPT, क्योंकि MPPT में एक DC-DC स्टेप डाउन कन्वर्टर भी लगा होता है तो फ्रेंड इसलिए वो महंगे होते हैं। और जो ये इनकी लाइफ PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर है फ्रेंड, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत कम कंपोनेंट लगे होते हैं अंदर तो ख़राब होने के चांस भी कम होंगे। जो MPPT है उनकी लाइफ फ्रेंड थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं तो ख़राब होने के जल्दी चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट जो डिफरेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड, हम जो छोटे सिस्टम के लिए हैं वहाँ पर हमें PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। जो MPPT होता है क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे DC-DC स्टेप डाउन कन्वर्टर भी लगा होता है तो फ्रेंड वो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम तो करेगा। देखो वोल्टेज स्टेप डाउन करेगा मतलब कुछ ना कुछ पावर लेगा वो। तो PWM टेक्नोलॉजी सोलर चार्ज कंट्रोल की तुलना में जो MPPT है वो बैटरी चार्जिंग के लिए ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। इसलिए फ्रेंड छोटे सिस्टम में हम MPPT का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे पहले हमारे पास 50-100 वाट का पैनल है उसके साथ भी हम यूज़ कर लेंगे तो वो थोड़ी बहुत उसकी एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा MPPT, तो हमारी बैटरी तक बहुत ही कम पहुँचेगा। तो फ्रेंड इसलिए हम वहाँ पे PWM टेक्नोलॉजी, छोटे सिस्टम सस्ता भी होगा और साथ में पावर भी कम कंज्यूम करेगा, इसलिए छोटे सिस्टम के लिए हम PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करेंगे। और फ्रेंड जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जहाँ पे भी गर्म इलाका हो, जहाँ बहुत ज़्यादा धूप रहती है वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है हमारा PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर। और फ्रेंड जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होने के लगभग होती है तब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोल PWM सोलर चार्ज कंट्रोल। कि जैसे ही हमारी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद होगी उसके बाद ये क्या करता है, जिसे हमारी बैटरी को डिसकनेक्ट और कनेक्ट करता है ताकि उसका वोल्टेज डाउन नहीं हो, इस प्रकार ये काम करता है। और फ्रेंड इसकी इफ़िशियंस और जो हमारा MPPT है उसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पे इसकी इफ़िशियंसी लगभग 90% तक रहती है और ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके करंट को बूस्ट करता है। और जो भी लार्ज सिस्टम में फ्रेंड क्या है, एडिशनल एनर्जी देता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आगा उसको हम करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो क्लाउडी वेदर होगा फ्रेंड उसमें भी जो एम्पियर तो बहुत कम जनरेट होंगे, देखो जब भी क्लाउडी एम्पियर होगा 1 या 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे बहुत कम एम्पियर जनरेट होंगे बट वोल्टेज फुल आएगा तो उस वोल्टेज को ये करंट में कन्वर्ट कर देगा और अच्छी इफिशियंसी देगा, ठीक है फ्रेंड। और वहाँ पे भी इनका उपयोग किया जाता है जहाँ पे बैटरी का वोल्टेज, जहाँ पे जो भी हमारा सोलर पैनल है उसका वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा है। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जैसे आपके पास जो 12 वोल्ट वाला हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है उसके साथ आप फ्रेंड
24 वोल्ट वाला सोलर पैनल भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है बट उसकी VOC होती है, जिसे हमारे स्मार्टन प्राइम MP50 प्लस की बात करते हैं उसकी VOC है 45। तो फ्रेंड आप जो आपकी सिंगल बैटरी है उसके साथ आप 45 से कम VOC वाले 24 वोल्ट के सोलर पैनल यूज़ कर सकते हो। जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा उसको वो करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो फ्रेंड यदि आपके पास बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको कि 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल भी आपको एक सिंगल बैटरी के साथ यूज़ करने हैं, तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद लीजिए, क्योंकि फ्रेंड उसमें DC to DC स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा होता है जो आपके हायर वोल्टेज को वोल्टेज कम कर देगा और उसको करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो फ्रेंड यदि आपका 24 वोल्ट के आपके पास सोलर पैनल है तो आप वहाँ पे जिस सिंगल बैटरी के साथ यूज़ करना है तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद लीजिए। और दूसरी चीज़ फ्रेंड, जो क्लाउडी वेदर होता है उसमें भी क्या है, वोल्टेज तो बहुत मिलता है हमें बट करंट बहुत कम मिलता है, तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करता है, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, हाँ, और फ्रेंड जो भी सोलर पैनल से फुल पावर होती है उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए पूरी पावर यूटिलाइज करता है, और जब भी हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होने की कगार पे होती है तब भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये फ्रेंड बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा करंट देता है बिल्कुल, और वो बहुत कम करंट बहुत धीरे धीरे चार्ज करता है। जो PWM टेक्नोलॉजी पर बेस है फ्रेंड, जो भी आपकी बैटरी है उसको बहुत धीरे धीरे चार्ज करता है, बट फ्रेंड ये बहुत अच्छी स्पीड पर चार्ज करता है MPPT। और थोड़े बहुत MPPT फ्रेंड महंगे होते हैं और लार्ज सिस्टम के लिए इनको उपयोग किया जाता है और इनकी लाइफ कम होती है कंपेरिजन टू, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा पूरा डिटेल कि यदि आपके पास, देखो अब मैं थोड़ा सा आपको उस पर ले चलता हूँ MPPT और UTL का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर, उस पर ले सकता हूँ 40 एम्पियर का जो हमारा SMU है और MPPT का SMU। देखो पहली चीज़ दोनों में मैं डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूँ, जो UTL का वो PWM टेक्नोलॉजी पर बेस है और स्मार्टन का MPPT है। दूसरी चीज़, आप जो UTL का SMU है उस पर आप 12 वोल्ट वाले जिनकी ऐसे पैनल जिनकी VOC 25 से कम हो वो आप उस पर यूज़ कर सकते हो, 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल आप सिंगल बैटरी के साथ यूज़ नहीं कर सकते, डबल बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हो। जबकि स्मार्टन का जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है फ्रेंड, उसमें आप एक सिंगल बैटरी के साथ 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें इनकी VOC है जो कि 45, मतलब ऐसा कोई सोलर पैनल जिसकी आपकी VOC 45 से कम है 24 वोल्ट वाला सोलर पैनल, वो भी आप सिंगल बैटरी के साथ यूज कर सकते हो। जो फ्रेंड नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है फ्रेंड, जो आपका PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोल जैसे हम UTL की बात कर लेते हैं 2400 या 2500 रुपये का आता है 40 एम्पियर में, वहीं फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि स्मार्टन का जो प्राइम MPPT है वो लगभग 45,000 के समथिंग आएगा 30 एम्पियर में, उससे कम रेटिंग में भी उससे महंगा आएगा। और इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड, जो स्मार्टन MPPT है वो करंट को बूस्ट करता है, जबकि हमारा PWM बूस्ट नहीं करता है, जो ऊपर से करंट आ रहा है वही आपके बैटरी को देगा क्योंकि वो बैटरी के वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। और यदि बहुत ज़्यादा जैसे बैटरी फुल चार्ज होने लगेगी तो PMW क्या करता है कि बार बार ट्रिप करता है, कट करता है, कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है हमारी बैटरी को, ताकि उसका वोल्टेज डाउन नहीं हो, फुल चार्ज रहे बैटरी। जबकि MPPT क्या करता है फ्रेंड, जो हायर वोल्टेज आते हैं उनको करंट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमें पता है जैसे पावर, सपोज करो हमारे पास पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट DC में, सपोज करो हमारे पास जैसे 50 वाट का सोलर पैनल है तो फ्रेंड वो दे रहा है 50 वाट का सोलर पैनल 25 वोल्ट और 2 एम्पियर दे रहा है, तो MPPT तो क्या करेगा फ्रेंड, वो 2 एम्पियर ही देगा, वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगा बट 2 एम्पियर देगा हमारा जो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है। बट फ्रेंड MPPT क्या करेगा, ये सपोज करो इसको 20 वोल्ट 25 वोल्ट और 2 एम्पियर देगा हमारा PWM, तो और MPPT क्या करेगा फ्रेंड, जैसे वोल्टेज आपने 15 कर दिया तो ये जो MPPT है जो PWM है ये तो 25 वोल्ट 2 एम्पियर देगा, नीचे जाएगा वोल्टेज को डाउन कर देगा जैसे 15 वोल्ट और 2 एम्पियर देगा, तो कितना पावर मिला 30 वाट। जबकि फ्रेंड ये क्या करता है, जैसे 15 वोल्ट कर देगा और 3 एम्पियर से ऊपर एम्पियर दे देगा हमें, क्योंकि 15 वोल्ट देगा बाकी के वोल्ट को एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये लगभग 3 से ऊपर एम्पियर दे देगा हमारा MPPT। तो फ्रेंड इस प्रकार इनकी वर्किंग है। अगर फ्रेंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।